वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान कर दिया गया है, कौन कौन से प्लेयर वर्ल्ड कप की टीम में शामिल है और कौन कौन से नहीं है, इसके ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, 1 महीने बाद पाकिस्तान टीम जाएगी वर्ल्ड कप खेलने और वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया, जिसके अंदर बाबर आजम शामिल है जो कि टीम के कैप्टन है, सायम अयूब होंगे, मोहम्मद रिजवान होंगे, उस्मान खान होंगे, इफ्तिखार अहमद होंगे, इमाद वसीम होंगे, शादाब खान होंगे, अबरार अहमद होंगे, उसामा मीर होंगे, मोहम्मद आमिर होंगे, शाहीन शाह अफरीदी होंगे, नसीम शाह होंगे और फ़खर जमान होंगे, और इसके साथ साथ हारिस रऊफ होंगे और इरफान खान नियाजी होंगे। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि आज़म खान को भी टीम में शामिल करना चाहिए था और जमान खान को भी टीम में शामिल करना चाहिए था, क्योंकि जमान खान जो है वो डेथ ओवर्स बहुत अच्छे कराते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इनको टीम में शामिल होना चाहिए था, क्या ये वर्ल्ड कप के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? और दोस्तों, यहाँ पे शुएब अख्तर का कहना था कि मोहम्मद हारिस जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, वन डाउन बैटिंग करते हैं, उनको भी वर्ल्ड कप की टीम में शामिल करना चाहिए था, वो एक एक्स फैक्टर हो सकते थे पाकिस्तान टीम का। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।